अमेठी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम परिवार करवाता है राम विवाह। कई दशकों से लगातार हो रहा है कार्यक्रम। सांप्रदायिकता फैलाने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा। अगर आपको हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब का अनूठा संगम देखना है तो आपको अमेठी जाना चाहिए। अमेठी जिला सियासत के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ होने वाला राम विवाह गंगा जमुनी तहजीब और सांझी विरासत का जीता जागता नमूना है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग जुटते हैं, क्योंकि इसका आयोजन कोई हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम परिवार करता है। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये तस्वीरें रामलीला की हैं और इसका समापन राम विवाह के साथ होगा। अमेठी जिले के मोहना पश्चिम में होने वाले इस राम विवाह को देखने के लिए हजारों लोग जुटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस राम विवाह का आयोजन एक मुस्लिम परिवार करता है, जो कि पिछले कई दशकों से बदस्तूर जारी है। जानकारी के मुताबिक दशहरा मेला और राम विवाह का सबसे पहले आयोजन 1968 में मोहना पश्चिम के राजा चौधरी अनवर हुसैन ने किया था। इसके बाद 1971 में चौधरी अनवर हुसैन के कहने पर ही दशहरे के मौके पर सबसे बड़ा रावण मुस्लिम कारीगर नब्बू ने तैयार किया। वक्त बीतता गया और राम विवाह के साथ साथ दशहरे की जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। दो दिनों तक चलने वाले राम विवाह के मंचन में धनुष तोड़ने के साथ ही भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद भी होता है, जिसे देखने के लिए यहां सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ती है। राम विवाह के आयोजक चौधरी असद हुसैन के मुताबिक इस कार्यक्रम को उनके पिता चौधरी अनवर हुसैन ने शुरू किया था, जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और आने वाले वक्त में उनकी नस्लें इस परंपरा को इसी तरह निभाएंगी। इस दौरान मोहना पश्चिम इलाके में भारी भरकम मेला भी लगता है, जिसमें आसपास के गाँव और जिलों के हजारों लोग पहुँचते हैं। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि राम विवाह का ये मंचन हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता नमूना है। इस बार भी ये मेला बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा हुआ, जिसकी व्यवस्था जौहर आजम फरजंद, शेर बहादुर और भुल्लू समेत गांव के कई लोगों ने संभाली। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।